पुलिस प्रशासन बोल रहा है दो बार तीन बार शराब वाला आए, तीनों बार हम ही को धमकी दे रहे हैं कि तुमको जेल भेजेंगे सर, जो तुम हम लोग को परेशान करता है और शराबी है जो पी करके उसको कुछ नहीं बोल रहा है। पतोड़ी ईंटा चलाने लगा जिसमें मेरा अंगुली अंगूठा के सटले जो अंगुली है वो दो भाग में हो गया है। अभी तक FIR थाना किया है लेकिन अभी तक गिरफ्तार है, कामन दिन हो गया अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। सीनियर SP के दो बार आवेदन दे चुके हैं और DGP साहब को एक बार दे चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी उसको नहीं किया गया जेल। आज सोमवार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लग गया है और बिहार में लगातार नीतीश कुमार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि शराबबंदी कानून सफल, लेकिन शराबबंदी कानून पूरे तरीके से विफल है। एक ऐसे ही फरियादियां हैं, शराब का मामला है, क्या कुछ मामला, सीधा जुड़ेंगे बात करेंगे। बिहार के खुसरूपुर से आए हैं, क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल जी क्या मामला है? मामला यही कि शराब रोज पी करके घर पर गाड़ी गलौज करता था। एक दिन अचानक हम लोग घर पर छत पर बैठ करके खाना खा रहे थे, एकाएक छत पर से मेरे छत से ऊंचाई छत बनाया था राजेश लाला ने, एकाएक छत पर से ताबड़तोड़ ईंटा चलाने लगा जिसमें मेरा अंगुली अंगूठा के सटले जो अंगुली है वो दो भाग में हो गया है। अभी तक FIR थाना किया है लेकिन अभी तक गिरफ्तार है, कामन दिन हो गया अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। सीनियर SP के दो बार आवेदन दे चुके हैं और DGP साहब को एक बार दे चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी उसको नहीं किया गया जेल नहीं। प्रशासन क्या बोल रहा है? पुलिस प्रशासन बोल रहा है दो बार तीन बार शराब वाला आए, तीनों बार हम ही को धमकी दे रहे हैं कि तुमको जेल भेजेंगे सर, जो तुम हम लोग को परेशान करता है और शराबी है जो पी करके उसको कुछ नहीं बोल रहा है, शराबी को कुछ नहीं बोल रहा है आपको उठाने की बात। हाँ मेरे परिवार को भी जबरदस्ती घसीट कर करके ले जाने के लिए चाहा मैंने, इसलिए दो बार टोकम मेरा टूट गया था। कौन परिवार को ले जा रहा था? मेरा पत्नी का जबरदस्ती और मेरा छोटा बच्चा को, वो शराब वाला। और यह जो कि सीनियर SP के दो बार मैंने आवेदन दे चुके हैं तब भी मैं उसको गिरफ्तारी नहीं हो चुका है। DGP साहब को 23/5 को भी दिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो चुका है। माफिया दबंग लोग? शराब माफिया दबंग लोग नहीं है लेकिन उसका साथ है, दबंग लोग के साथ है। क्या करते क्या है वो चलाता है ठेला वगैरह और दबंग लोग के साथ में रहता है, खाता पीता है रोज है जो कि शराब पीता है। हाँ शराब पीते हैं, आपको परेशान कर रहा है? हाँ हमको परेशान कर रहा है, मार करके तावा तोड़ घर पूरा अंगना भर दिया, जब छत से 100 घंटा चलाया। नीतीश कुमार के पास आए मिलने? हाँ नीतीश कुमार से मिलने आए सर लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद होगा। सर का यही कहेंगे कि सर कि उसका से जेल भेजा जाए, गिरफ्तार करके उसका जेल भेजा जाए, क्यों थाना प्रभारी नहीं जेल भेज रहे हैं? पुलिस प्रशासन भी मतलब नहीं? हाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं सुन रहे हैं और थाना वाला भी शराब वाला भी नहीं सुन रहे हैं। तीन बार मेरे घर पर आ चुके हैं, 14/4 को आया, फिर 15/5 को आया, दो बार धमकी भी दिया जाता है। धमकी भी दिया जा रहा है कि जान से मार दिया जाएगा तुमको। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दिया जा रहा है जो राजेश लाला का जो गैंगवार है जो सब। चलिए देखिए, अनिल नाम है इनका, ये खुसरूपुर से है, इनका यह साफ कहना है कि शराब पीकर जो लोग हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं, ताबड़तोड़ ढेला घर में फेंक रहे हैं, तो वहीं लगातार यह थाना पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं यह मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल है, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है शराब आ कहाँ से रहा है, लोग पी कहाँ से रहे हैं, तो वहीं लोग पी करके इस तरीके का काम कहाँ से कर रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं शराबबंदी कानून को लेकर। फिलहाल लगातार दरवाजा भटक रहे हैं, तमाम अधिकारियों के पास ये गए हैं, तो वहीं तमाम अधिकारियों का दरवाजा खटखटा कर कहीं ना कहीं परेशान होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आए हैं और यहाँ पर से भी इनको निराश होकर जाना पड़ रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।